अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 के कोर्स करिकुलम और उसके जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ मैं आज। तो जो सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर में ईयर थर्ड में, तो वो है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, और उसके 4 नंबर पर जो है वो इंग्लिश है। तो जो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों ने करना है वो है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि इसका क्रेडिट आवर बहुत ज़्यादा है और इसी से आप लोगों का जीपीए बन सकता है। जो ऑब्जेक्टिव है सी एच एन टू के वो है इंट्रोडक्शन टू एटॉपिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, मीजल्स, मम्स, ये जो डिजीज़ है वो हम, इसके अलावा जो यूनिट 2 है इसमें भी थोड़े बहुत डिजीज़ है, और यूनिट 3 में भी जो सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह यूनिट 4 में भी हम ये डिजीज़ पढ़ेंगे। तो ये सारे डिजीज़ थे सीएचएन के। आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके एक को थोड़ा देर के लिए देख सकते हैं, और इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक का, उसके भी ऑब्जेक्टिव होंगे। और ये है हमारे पास जियाटिक है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है ये मैं पीएनसी करिकुलम से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पीडियाटिक के करिकुलम में शामिल है। तकरीबन सारे थर्ड सेमेस्टर के ही जो डिजीज़ है वो इसमें दोबारा, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्टिस सिंड्रोम एंड सर्फेक्टेंट थेरेपी, ये सारे ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन इसमें दोबारा है और वही जो डिजीज़ है लेकिन चिल्ड्रन में हम पढ़ेंगे, और उसकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोस है वो हम एचएन में हम एडल्ट की करते बनाते थे, एडल्ट के लिए बनाते थे, और अब पीडियाट्रिक में हम चिल्ड्रन के लिए बनाएंगे। जैसे कि अब ये देख सकते हैं कि जीआईटी में जो डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में वो ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्निया, एम्बियासिस, और जैसे जेनिटो यूरिनरी डिसफंक्शन के जो डिसऑर्डर है वो अपर एंड्रो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कंजेनाइटल रीनल एट्रोपी, और इसके साथ साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन चिल्ड्रन। इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी की है वही दोबारा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जिस स्टूडेंट का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर अच्छा पढ़ा है एचएन, तो वही डिजीज़ दोबारा है, लेकिन बस नर्सिंग मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ वही दोबारा है। डिजीज थोड़े ज़्यादा है लेकिन ये स्किप करेंगे भी हम थोड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जैसे कि पोस्टिस, लोरोडोसिस, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो बस डिजीज़ को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है, और जो मेन मेन टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये थर्ड सेमेस्टर में भी हमने पढ़े हुए हैं, और अभी फिफ्थ सेमेस्टर में बस इनका नर्सिंग डायग्नोस जो है और नर्सिंग मैनेजमेंट वो डिफरेंट हो जाता है, बाकी सेम ही रहता है, डिजीज चेंज नहीं होती। और इसके साथ साथ मैं बुक भी रिकमेंड करूँगा, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा सीएचएन के लिए भी और पीडियाट्रिक के लिए भी, जो पीएनसी करिकुलम है उसके मुताबिक जिन्होंने जो बुक रिकमेंड किए वो भी मैं तस्वीर इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा।